Hi, good morning. Just joining everyone. I think we're there in advance. So let me join each and everyone. Good morning. So also share. कमल सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर आप पुणे में आने वाले हो? हाँ पुणे में आ रहा हूँ सर, 6 मार्च को पुणे में हूँ, संडे। राइट राइट राइट, वी मीट डेफिनेटली, आई विल कम एंड मीट। सुबह हड़पसर में है? और हड़पसर नहीं, नहीं सुबह हड़पसर नहीं है, वाकड़ है अभी। हड़पसर का जो अपना ये था ना होटल, सो उधर कुछ तो रिपेयर वर्क है। So we shifted to the Ambience Excellency Hotel at Wakad. Wakad में सुबह है? हाँ, Wakad में सुबह है, 10 to 12 उधर रहेगा। And evening में? Evening में अपना Trade Tower, SB Road, सेनापति बापत रोड, Trade Tower, MCCIA। Okay, हम लोगों को भी रजिस्टर करना पड़ेगा? कर दो तो अच्छा है सर, तो हमको सीट्स का पता चलेगा और कुछ नहीं। Not a problem. आप ग्रुप पे लिंक है ना सर? हाँ ग्रुप पे लिंक है, मैं आपको वापस भेजता भी हूँ। चलेगा, नो प्रॉब्लम। मैं 1+1 डालूंगा, ऐसा करूँ क्योंकि मैं मेरे दो दोस्त को भी बोला है। हाँ हाँ चलेगा चलेगा, आप एक का कर दो चलेगा, वी विल सी। आपका दोस्त को तो आपका दोस्त को रजिस्टर करो, आप लोगों को तो मैंने ऐसे भी ऑलरेडी अपना फर्स्ट ट्रेनिंग फ्री जो था पूरा एडवांस का टेक्निकल वाला, वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू द स्टूडेंट्स ग्रुप। तो पीपल हु विल रजिस्टर ना, उनको ईमेल आईडी को वी विल शेयर द एंटायर वन डे फुल ट्रेनिंग। ओके, बट मैं उसको बोल लेता हूँ कि हाँ उनको बोल दो करने के लिए, देट विल बी बेस्ट। दिलीप पटेल सर गुड मॉर्निंग, सो जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट स्टार्ट, आई एम वेटिंग फॉर अदर्स टू जॉइन। नहीं नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम सर। या या हाँ सर, उसके साथ आप बात कर सकते हैं एक्चुअली, कि वो ऐसे भी सामने ही रहते हो, आप 1 बजे आ सकते हो, 12:30 को ये खत्म हो जाएगा, तब तभी आ जाओ ना, क्योंकि अभी अपना कल नहीं रहेगा, लेकिन अपना नेक्स्ट समर क्या थे थी? तो आई वो निकली हो जो क्या थे? अरे वो गाड़ी बस बिल्डिंग में पार्क करवाते हैं। 1 तारीख तो बोली था, ठीक है, सामने बिल्डिंग थे एक जगह आई हुई छे, नहीं है मारो कॉल जस्ट चालू थी गयो, सामने बिल्डिंग थी। हाँ ठीक है, एक्चुअली क्या है, अपना एक सेमिनार अभी ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेम सेमिनार इज कमिंग अप अभी नेक्स्ट सैटरडे को इवनिंग में, पूरी इवनिंग में। तो उसका ही डिटेल्स भी आपको देंगे, और जो नॉर्मली हम लोग करते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस अभी वही सेशन आपको चाहिए था, आप यहाँ बैठ के देख भी सकते हो कि हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, यू कैन सी लाइव ऑल्सो, दैट इज फाइन। ठीक है, ओके, सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट। सो गुड मॉर्निंग, and yes, just a reminder, we will be there in Pune on 6th of March. Mobile is chala le to chalna super chala na. Okay, so we will be in Pune on 6th of March. 2 location, free seminar is coming up, and Mumbai on 5th of March, which is Saturday at Borivali. So anyone in Mumbai wants to register, please use the link that has been shared in the student group. Okay, so let's start with what we saw last week, right? So if you see 16,400 almost not been broken on closing basis. Okay, so we again have a bounce from this level. This was broken. We saw a low of 35,000, but now again, we are again back to this level. So mainly if you look at it on weekly, see, we are doing weekly analysis, and on weekly basis, the levels are still intact. Okay, and we'll see today what did happen. Okay, I know humko top bottom mein entry nahi mila kyunki apna entry for short was at 37,275,
and the market opened almost 800 points below that. So it's not okay to take an entry, you know, at that low level. तो हमारा short trades trigger नहीं हुआ था, but that is fine, you know. See, last year भी हमको जो दो entries था वो नहीं मिला था. I think budget, during budget and US election. Apart of that, we still had 120% return. तो वो ठीक है, ये market है, and it will, you know, subside and give us entry. So let's see now today where we see or what is there in the for us. So let's see. Okay, so Nifty again, if you go to see on daily basis, see it resisted the gap which was there between it. Okay, so yeah, Tuesday, Wednesday or Thursday, Friday we had a bull session, by the way, and volume in bull session is more than the fall volume. Oh, by the way, see that is going to be the plus point for the bulls actually. Okay, the negative part is we are at 40 resistance, we are at gap resistance, and now we need to see whether this line, which has been broken after a long, long time, which was acting as a very good support for so many times we saw. Okay, now this has been broken with a bang. Okay, bahut bada gap ke sath toota hai, and now we are here. So we are below the line. So Nifty needs to now cross 17,000 and stay above 17,000 for any further move. So I think last week bhi maine bola tha ki abhi main new high to bahut dur dekh raha hu. Okay, can we avoid TBT election? I will not. Okay, because TB will now give you a good return. See, TB has remained sideways since November end. ओके एंड अगर आप टीवी देखते हो या टीवी फॉलो करते हो तो मैंने बोला है कि वो एक साल में आपका पैसा डबल करता है. तो लास्ट जून टिल नवंबर इटसेल्फ इट ऑलमोस्ट डबल्ड योर कैपिटल. ओके 1.9 का रिटर्न दिया था टीवी ने. ओके इन जस्ट 5 मंथ्स. तो जब भी इतना फास्ट ग्रोथ ऑलरेडी आपको दिया है तभी हक बनता है मार्केट का कि थोड़ा रिट्रेस करने को. Okay, so it will retrace your account also. That is fine. Okay, usko jyada tension mat lo. Okay, and now the trend will set and it will give you some good money. So see, my plus point is if this really resists now and falls, we now have a new bottom. Okay, so let's see what it does there. So daily, yes, we are below the levels and we are below now the crucial support of 17,000 or 16,800, which we used to say. Okay, now this needs to break above. Okay, देखो फ्राइडे का SGX एंड US मार्केट मत देखो. What US futures are there on the Monday morning will matter and not the past. Okay, so let's see that. Then don't go on the news. Okay, ये जो war का news है वो तो बाद में आया था. Already markets were, you know, in a shrinking mode. So वो तो छोड़ दो. Okay, and we were saying that it is getting tired anyways, and with daily and weekly was below 60, we were not of the opinion that, you know, it will make a new high soon. But now this is interesting. We are again at price support on weekly lower band price, and if you look at this, the running candle on weekly took 40 support. Okay, so it, when the low was made, it dipped till 40 from where it has bounced. Okay, so this again looks a black neutral candle rather than a bearish candle. Okay, and again, jo hum log candle 6 mein batate hai, a black candle at support is of no use, right? No significant. So this can be the reason where, you know, you might see some bounce back now again in the market. So let's see what the level of bounce. I'm expecting 17,200 around the levels. Okay, and if you look at this, this is still about 60. Okay, so monthly is still bullish. In fact, more bullish than weekly and daily. Okay, so this is where we are seeing it. We might see this at 40 resistance. So if ye high cross karta hai, then only we might see. But then there is a gap till this. Okay, so 17,080 anyway is the entry for long in TB as well. Okay, so TB bhi apne ko gap ke hisab se chala raha hai. Okay, okay. So he is bullish in guiding. Okay, so this is where it is. So let's write down about Nifty. So we are at 16,600.
सो वी कैन से डेली बुलशैश है, बुलशैश कैलेंडर एट दिस रेजिस्टिंग 40 अभी तो सीधा ओके रेजिस्टिंग 40 एंड कैप Now we have to see what it does here. Now weekly again, weekly black candle, black candle at lower band support. Monthly, we are still above 60, so monthly has become a bearish candle. So now February has ended. So you can easily see bearish candle above 60 support. Okay, and now let's see the resistances. Okay, so now the resistance is going to be this. 500 okay. So this is where Nifty is now projected. Okay, now let us make this as 28 of okay. So now let's see Bank Nifty. Okay, so Bank Nifty also similar, but it has crossed 40 on daily. So 42 hai, but this can be also treated as resistance. Okay, see, it also resisted the high of this day. उसके ऊपर में नहीं गया है. Plus, इसने भी critical जो support level था वो तोड़ा है और वहाँ पे अटका है. So 36,450 is again the issue here, which you have to see. Weekly again has bounced from 40 and see gap support. Okay, so this is a gap support as well as weekly. We see there is some support here. Okay, so it is again at 36,400. So we need to now see whether you know it bounces. And this bad news here is it has broken 60 on monthly. So Nifty is stronger, okay, but Bank Nifty is not. Basically, I don't see itna dur ka MAs. Okay, I'm comfortable with 43 and 20. As far as this is about 20 on monthly, I am not much bothered. 200 to bahut pura ho jata hai. ओके उतना बड़ा बड़ा मैं नहीं देखता एक्चुअली. ओके सो दिस रियली लुक्स गुड. दिस इज आल्सो एट सपोर्ट एंड इट हैज बाउंस फ्रॉम दिस लो. सो सी बेसिकली कल क्या हुआ है, इट हैज ओपनड ओनली एट सपोर्ट. आप निफ्टी देखो या बैंक निफ्टी देखो, सी निफ्टी भी देखेंगे ना तो ये सपोर्ट पे खुला ही देखो एंड फ्रॉम देयर इट जस्ट बेंट अप. सो ये थोड़ा ज्यादा हो गया, उसके नीचे से इसने ऊपर खींचा है. ओके सो दिस रियली लुक्स गुड फॉर अस एंड इट हैज टेकन सपोर्ट ऑन द की लेवल्स. नाउ द ओनली थिंग इज दिस विल इट एक्ट एज सीआईपी और विल इट नाउ यू नो अलाउ इट टू क्रॉस. तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है जो हमको देखना पड़ेगा. ओके एंड देन वी विल हैव टू सी हाउ इट गोस. Okay, so now let's see you know what it does here also. So Nifty Bank Nifty both is opened at support and down. See normally जब भी gap up या gap down होता है हम देखते हैं कि कहाँ open होता है उसके हिसाब से we tell you whether you know वो TV में रखना है नहीं रखना है. ओके सो अब तक जो हम लोग बच रहे थे टीवी में वो यही देख के हो रहे थे कि अगर गैप डाउन भी हो रहा था ना वो सपोर्ट भी हो रहा था.
Okay, but this time the gap up opening is at support, but we didn't have any entry here. Okay, अपना entry अभी सीधा इधर है. Okay, यहाँ पे ये level पे. So that's why you know we are okay. But let's see what it does. Then this is critical. 16850. And similarly for Bank Nifty also, 30s. This will be a issue 36800 या 36700 900 sorry. तो इसके ऊपर मतलब 37000 के ऊपर जाएगा तो अगेन वी विल गेट अ टॉप बॉटम एंट्री आल्सो अराउंड 34400 के आसपास में वो एंट्री रहेगा अपने पास. ओके okay so this again series at price support and bounce from support. Okay so this looks okay to me and we now need to write for this what we are seeing. So yes, see this also volume is bigger by the way than the whole day. So ye thoda mere khayal se pressurized from the bull attack hai. Ye actually gap down hai to ye actually bull sash hai. This is more powerful. Ye kicker nahi hai by the way, it is not a kicker. This is more powerful than whatever is this. So let's say that if this is really powerful, it will cross this within 1 or 2 days. Okay. So now we are at 36,420. Okay. So daily again, this may be bull sash. critical for Bank Nifty. Let's see the resistance level. Okay, सबसे बड़ा resistance is this. Okay. Then it will be 37,100. Okay. And then maybe you can say 37,950. Okay. This is the level of 38,000 बहुत दूर दिख रहा है. Okay. Right now, यही अपना support level है जहाँ पे बंद हुआ है price. So this are going to be the levels for Bank Nifty. Okay. Now let's see other indices. Sub indices be what locating next last week. गैप और 40 रेजिस्टेंस पे. ओके बट सी इट क्लोज्ड हियर एंड इट ओपनड अबव, सो इट्स अ किकर एक्चुअली. ओके सो वी विल हैव टू सी व्हाट आईटी डज नाउ. अगेन हियर इट इज बाउंस फ्रॉम लोअर बैंड. This is now getting towards 60. Okay, so ये हमारे जो रिजल्ट है, एंटीशन लॉस है. ओके, so this is amazing. ये लेवल ना क्या एक रेजिस्टेंस है इसको 34,000 सोचो ना, 34,000 के ऊपर में क्लोज आया, then only you know the stocks should be ready again. अदरवाइज ये थोड़ा अभी डाउनफॉल की तरफ है, बट वीकली इज सपोर्टिंग 40 एंड लोअर बैंड एंड हियर देयर इज गोइंग टू बी नाउ गैप. ओके सो ये थोड़ा बहुत अभी साइडवेज या ये रेंज में रहेगा अंटिल दिस इज क्रॉस्ड और दिस इज क्रॉस्ड. दिस विल बी द रेंज इन विच द
indice will move. See, normally after such a fall or such a day, okay, there is a chance that, you know, it might just keep itself in a sideways manner till more direction comes from the news that has come. Okay, this is basically a news based Russia attacking Ukraine. ओके सो उसके हिसाब से अभी जो भी उसमें मूवमेंट होगी वो हिसाब से ही यहाँ पे ये टाइम पास करेगा. सी बेसिकली इफ यू गो टू सी आई डोंट फोरसी दिस एज अ बिगर इश्यू एज फार एज निफ्टी रिमेन्स अबाउ 60. ओके एंड दिस कैन बी यू नो बाइंग अपॉर्चुनिटीज इन अ गुड क्वालिटी स्टॉक. सो मेनली द ए गुड स्टॉक्स दे आर मेनली यू नो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर new entries at this level. I think Asian Paint hai, HDFC Bank hai, HDFC hai, Reliance hai. These are good to be added in portfolio at this rate because I don't expect them to fall much. They're already down by 30% from their highs. Okay, so correction in a way should be over according to me. Okay, but let's see. It will not be a rocket recovery also from here because there are plenty of hurdles in between. Okay, इसको ही देख लो, इसको यहाँ के ऊपर है, so 34,400 is going to be one more hurdle for it. Okay, so 34,000 एक है, 34,400 है, उसके बाद इसके ऊपर में आया तो then this, so इसको नया high मारने को time जाएगा. But now what I am saying is the fall might be over for now and we might see a recovery. See, ये pandemic का नहीं है कि जिसको गिरता ही जाएगा. This is not 2020 जहाँ पे खाली one sided movement down 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 down. It's not a world war. Okay, so this will be, you know, the correction levels, and now, you know, we might start a new rally on the upside also. Okay, so मेरा कहने का एक ही है, be open for both side. Don't just think that the news which is out is more negative and just look only for shorting opportunities. But also look for somewhere your buying opportunities in key stocks, futures, swing trades. Yes, only with strict stop loss do it. If the reason जो मैंने पहले भी मैंने बोला हूँ कि अगर आप swing trade लेते हो और आपका reason जब तक valid है तब तक वो trade में हो, नहीं तो निकल जाए. Okay, उसको आशा में पकड़ के मत रखो कि मेरे करंट अर्जुन आएंगे, वो नहीं आने वाले. Okay, so if the reason is not valid, quit the trade. But yes, if you're looking to enhance your portfolio and, you know, add more on to them, this is one of the opportunity. So again, let's write down for IT. So IT is at 1000 points down from here. So 33,475. Okay. ये भी चला गया, फोर बार पेयरिंग ब्रेक किया उसने. Okay, so daily bullish kicker at 40 resistance, 40 and gap resistance. So now what it does on Monday is going to be important. Okay. Weekly 40 and lower band support. Now let's see the other sectors. मेरे ख्याल से रियलिटी ऑन सब की बैंड लग गई. इसमें भी देखो हैमर एट दिस, सो इट हैज कम टू ऑलमोस्ट वीकली हैज कम टू 40. ओके, सो नाउ देयर इज अ चांस बिकॉज इफ यू लुक एट इट, इट हैज बाउंस फ्रॉम सीओपी एज वेल, लोअर बैंड एज वेल, बट देयर आर फ्यू गैप्स हियर, सो अवॉइड. ओके, ये भी देखो किकर बना के बैठा है, बट दिस इज आल्सो एनआरडी. यहां पे एनआरडी किया बाय द 40.5741, सो देयर इज अ 3 बार एनआरडी आल्सो इन रियलिटी, सो अवॉइड रियलिटी स्टॉक्स. ओके, कंफर्मेशन में भी इफ इट ब्रेक्स दिस, ओके, 4 के नीचे जाएगा तो एनआरडी विल एक्टिवेट. देयर इज एन एनआरडी सेटअप ऑन रियलिटी.
and this is at 60 support. So this is in favor of it. Baki kuch favor mein nahi hai filhal. Okay. This is perfectly at cup support, by the way. So we'll have to see what the stock does, but I am not in favor of reality form now. Okay, let's see if it shows some bounce. Infra is same as Nifty. Okay, and it is price resistance as well. ऊपर में था ये इसके भी नीचे मल्टीपल रेजिस्टेंस एक दो और ये वाला तीन जो गैप है उसके ऊपर भी और एक गैप है उसको मल्टीपल रेजिस्टेंस ऑन इंफ्रा स्टॉक्स what it does, but even 40 support player either or lower band support players are. So there will be some bounce, but not sure how long it 20 minute support le ke khada hai. Jab tak 20 minute break hota hai, you don't see no bigger fall yet. Okay, aur ye bahut kam hai ki isse 20 minute ho raha hai. Normally I think उसने यहाँ पर 2016 में जब चाइना क्राइसिस हुआ था मेल्टडाउन तभी ब्रेक किया है इधर कोरोना के टाइम पे ब्रेक किया है ओके बाकी नॉर्मल ये तो बहुत ब्रोकन जर्नी है सो लेट्स सी व्हाट इट डस तो बाकी का उन लोग एक्सेप्ट हो गया ओके सो लेट्स सी हियर अगेन रेजिस्टेंस फॉर दिस आल्सो 300 points below this. This sub may same actually. I can just copy paste in this one. So this again is a bull sash. अरे ये अच्छा दिख रहा है. It's just about to cross this. So this is near to the crossing lines. Okay, ये 200 point में इसको cross कर लेगा and then we are here. So 13,100 के ऊपर pharma stocks should be there. But again see there is an NRV set up here. Okay, इसमें 4 bar NRV इधर भी है. So we are having the NRV set up I think in many of them. Let's see what it does. So daily again same. Set up. CG maybe. Yeah.
So this is also neutral candle at 40 support and lower wire. ये भी अच्छा दिख रहा है. This is also monthly. Okay, so see, बड़ा वाइड का 50% के सपोर्ट पे भी होता है. So now we need to see whether this is defended or not. Okay, अगर ये ऊपर नहीं है 20 MA के सपोर्ट पे है ये. Okay, so monthly. So it is a spinning top. Spinning top के लिए बॉडी छोटा होना चाहिए. इसमें बॉडी भी बड़ा है. So it's a candle where you can say it's a neutral candle. Not sure where it wants to go. But it is black, so I'll say bearish candle at MA20 support. Okay. MA20 support and below 60. Okay, so that is where it is. Spinning top ke liye na, you need a bahut chota candle hona chahiye. See, this is a spinning top. This is a white wala hai na beech mein. Okay, wo spinning top hai. Ye nahi. Isko jo hai badhata hu. Okay, see, this is a spinning top. ये वाला spinning top नहीं. इसमें body भी है बड़ा. ये छोटा body रहता तो spinning top बनता था. Oh, right. See, this is a spinning top. Idle spinning top is this. ये वाला. Right. So this is where you can see that. Okay. So now go to the screen. Now let's go. ये एक्चुअली इशांसिंग मंथली रजिस्टर्ड 60 एक्चुअली थर्सडे को 60 के ऊपर में घुस गया था. सो नाउ वी हैव टू सी व्हाट इट डज. जब तक ये ऊपर से इट इज स्टिल वीकली डूइंग बाइंग. और ये मैंने बोला भी था 24 के ऊपर गया तो धमाल मचाएगा. मचा दिया धमाल इसने. ओके, सो यू कैन सी दिस. ओके, ये अभी भी इसके नीचे आना चाहिए या लोअर बैंड के नीचे आना चाहिए. मैंने बोला भी था स्क्रीन से ये कभी भी फट सकता है. ओके, एंड दिस इज गुड. ओके, दिस इज गुड बिकॉज़ इट हैज फॉलन बिलो 60 एज वेल. बट नीड टू सी यू नो इट कमिंग डाउन एंड सेटलिंग बिलो 24 सून. ओके, नहीं तो ये वापस कुछ ना कुछ धमाल चलेगा. Auto sector, let's see. See, it is again resisting the same thing. Lower band भी resist कर रहा है भाई साहब. 60 भी resist, 40 भी resist कर रहा है. And ये भी देखो 11,000 से नीचे गिर गया है. तो इसको भी resistances है बहुत सारे. ये gap था वो भी भर दिया. ये gap भी भर दिया. अभी यहाँ पे ही रुका है वो. वापस देखो ये रनिंग कैंडल 40 सपोर्ट और लोअर बैंड ही है. दिस इज आल्सो बिलो 60. सो नाउ वी आर सीइंग इंडाइसेस गोइंग बिलो 60 बट स्टिल एट प्राइस सपोर्ट. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इट डज नाउ. वो क्रिटिकल है. Because monthly is below 60 and daily is resisting 40. So now this is going to be critical for us. Okay, so maybe let's see what side the trend now picks up. Okay, कहीं पे भी हो trend आना चाहिए. Sideways से हम परेशान हो चुके हैं. So this is down by 500 points from here. 10, 8, 15. Okay,
Now, the mark series here to Yukna is already in green. Okay, so now let's see, do we get any stock or not? If they don't cross a particular level, there is no buy in it. The dealing sub abhi breaks ke saath hai. See, this resisted 23. See this very clearly when the support was has been registered. Okay, so I'm not much keen as buying it right now. Okay, so this is really critical support that it is at. Apollo Hospital will enter Nifty and both may be so if Nifty is rising, Apollo Hospital might get some points, but if not, it will be down. Let's see that. Apollo Hospital. Okay, so Apollo Hospital is looking decent. So why only about this? But then this is going to be the resistance. So this is also price resistance for it. And we buy above the high. I will wait actually for 1 or 2 days to be. But yes, nevertheless, if you are looking for it, because see, age of movement and usme wo 15 minutes and hourly would have already changed. And if you buy above this, I think by that time 15 minutes and hourly will be already in upper bottom mode. So once you know we see some settlement from there only, I think entry can be there. So wait for it again. सर दिस वीक आई थिंक ट्यूजडे महाशिवरात्रि छुट्टी भी हो सकती है ना ये वीक ट्यूजडे को मेरे ख्याल से ट्रेडिंग हॉलिडे है कि नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि अगर है तो वो अगेन ट्रेडिंग डेज विल बी वेरी लेस सो अगेन लेट्स चेक करता हूं ट्रेडिंग हॉलिडे National Stock Exchange.
समझ में आ जाएगा। ट्यूसडे कौन सा है? फर्स्ट मार्च है ना? फर्स्ट मार्च को छुट्टी है। हाँ छुट्टी है। यस 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 यस। तो ये वीक थोड़ा डाइसी होगा। हाँ वीक तो थोड़ा डाइसी रहेगा, बट देन लेट्स सी मार्च। अरे मार्च में तो दो दो होल हॉलीडे है। फर्स्ट मार्च भी है और 18 मार्च होली फ्राइडे। बट मार्च इज अ बिगर मंथ। एक्सपायरी इज ऑन 31st मार्च। राइट। सो दो दिन कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेट्स सी। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वीक। दिस वीक तो आई थिंक एनीवेज इट विल बी यू नो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच बिगर मूवमेंट हियर। या ओके थोड़ा मेरे ख्याल से अभी साइडवेज रहना चाहिए। सो अपोलो हॉस्पिटल लुक्स गुड अबाउट दिस, बट इसके ऊपर में फिर 15 मिनट्स एंड आर्ली वुड बी ऑलरेडी फ्लाइंग, तो फिर वो थोड़ा सेटल होके वापस जाएगा। तो माय पॉइंट इज लेट इट गो अबाउट 47 36 और 35, लेट इट कम बैक नीचे। ओके एंड देन व्हेन इट क्रॉसेस अगेन फॉर द सेकंड टाइम दैट इज वेयर यू नो यू शुड बी बाइंग एंड नॉट इमीडिएटली एज इट क्रॉसेस। ओके क्योंकि वो क्रॉस के बाद वो नीचे एक बार सेटलमेंट के लिए आएगा और ऐसा में ना अपना सा स्टॉप लॉस लेके जाएगा फिर वापस भागेगा। तो बेटर है कि सेकंड अटेम्प्ट जब भी क्रॉस करेगा ना तभी बाय करना चाहिए। ओके लेट्स सी आई थिंक सब वैसे ही अटका पड़ा है। तो किसी में भी एक प्रॉपर पैटर्न नहीं है। अगेन दिस कैन बी बॉट अबाउट दिस so this can be high, but then there is a gap here. So 44 से लेके 2500 तक का एक ये है और 2420 can be the stop loss actually. So this is okay for 25 rupees का stop loss है and 55 rupees का target है. So you can have one trade on it. HDFC. See, mainly what will happen is this will be a quick trade on either side. Let's see, HDFC this is also double resistance. This is the price resistance here. Gap resistance also. So short कहाँ करेंगे? इसके नीचे short कर सकते हैं, but then it might come from 40 support. क्या मिला वॉर करके इतना वर्ष में के लिए ट्रेड इनकम नहीं दिख रहा है। एटलीस्ट यू नो चलो खत्म हो गया बात। इतने एक महीने से लटका के बैठा है यूक्रेन अरे मारुति को I did it, it should bring it above 84 and it took 40 support. Yeah.
So ye high ke upar mein you can expect this short trade can be possible 84 to 86 but 84 65 so 135 points you can expect but then there is again going to be some capital resistance. जज ऑटो भी काफी स्ट्रेंथ इधर आ रहा फील दे रहा है ये भाई सब भी काफी तगड़ा है This is also 20 MA support. So, तो नीचे आएगा लेकिन buying कहाँ किया जाए इसके ऊपर this is going to be there. Hello now this in it. So this is also looking good, but see, it is a doji at 40 lower band. But see, entry is about doji high, doji low becomes your this becomes your stop loss. So 90 pe entry, 30 ka stop loss bhi rakho, to bhi 60 points ho gaya. And immediately you are getting resistance 50 points pe. तो नीचे में 60 पॉइंट्स है ऊपर में 50 पॉइंट्स है एंड देन इफ इट यू कंसीडर इवन दिस इट इज यू नो 1:1 तो जम नहीं रहेगी से डोजी है कि हरामी है ये डोजी है डोजी एक सपोर्ट है दो कैंडल को मिलाओगे तो हरामी नहीं बोल सकते हो बट हरामी के लिए ना ये सब क्या कि ये बच्चा बहुत मालन्यूट्रिशन वाला है तो उसका बॉडी साइज बहुत छोटा है एक्चुअली See, either harami issue has a bigger body seem like this. This is a very shallow one here. थोड़ा body बड़ा होना चाहिए उसको. ये देखो, ये भी अच्छा है. ये bullish harami है, ये bearish harami है. थोड़ा body वाला होना चाहिए, healthy game होना चाहिए. ये तो ऐसा लगता है माने खाया पिया नहीं है. खुद नहीं खाया, इसको खिलाया नहीं. क्या है अपना एमआरएफ किधर पहुंच गया बेचारा पर पॉपुलर 63 तो उसके भी नीचे जाएगा लगता है कि मेरा बाइंग लेवल भी तोड़ में आ गया ये पेंडेमिक का लो में बाई किया था उसको बहुत नीचे आ गया बेटा तो बट नाउ सी दिस इज लुकिंग गुड अरे ये देखो मैं द प्राइस सपोर्ट मंथली 40 सपोर्ट एंड सी द हिस्ट्री देखो इसका इसमें मंथली 40 आज तक कभी नहीं तोड़ा चाहे इट वाज पेंडेमिक ना पेंडेमिक में भी इसने 40 सपोर्ट मंथली पे नहीं तोड़ा है टायर खरीदो आई थिंक इट कैन बी अ बाय अबाउट 66 300 के ऊपर में बाय करो उसको 40 क्रॉस करने दो अरे सब गंदे लोग हैं यार ये भी कोई नया भी इसके लिए मन नहीं कर रहा ये देखो वो मंथली लेके मैं लचा रहा हूँ और वीकली और डेली बुला है ऐसा लग रहा है ये 40 के नीचे और एनआरडी 3 बार एनआरडी यार इसमें तो मोर पावरफुल मोस्ट पावरफुल इस 3 बार इसमें भी 3 बार एनआरडी है निगेट होगा तो ठीक है निगेट इसके ऊपर में होगा फिर और यहाँ तक का चांसेस है इसका 68,000 है तो यू माइट सी एन अपसाइड फ्रॉम हियर इतना है उसमें मतलब 2000 पॉइंट का रैली है 66,000 के ऊपर 68,000 तक जा सकता है भगवान मतलब ऑटो फार्मा दिखा ना फार्मा वाज डूइंग गुड दैट डे डी आर आ
See, this is spinning top, by the way. और ये स्पिनिंग टॉप का हाई क्रॉस किया है, सो आइडियली दिस इज स्टॉप लॉस, इट कैन बी एंटर्ड अबाउट द हाई, बट देन सी देयर इज अ गैप हियर आल्सो। ये पहले, ये वॉर के पहले ही वॉर में चला गया था क्या? मतलब तू क्या, तू रशिया का सैनिक था क्या, पहले ही घुस गया था? ये देखो, वॉर के पहले ही टूटा हुआ ये था उसके बाद वॉर क्या डॉक्टर रेड्डी, अच्छा ट्रेड है, यू सी लुक एट द वे इट हैज गॉन, इट हैज बाउंस फ्रॉम हियर, इट हैज बाउंस फ्रॉम हियर, सो ये था एक्चुअली, अच्छा था ये, हाय ठीक है, लेट्स सी, आई थिंक वी नॉट डोंट टच दिस, इसमें भी अराउंड 16 पॉइंट्स का गेन है, बट देन द रिस्क दैट यू टेक इज आल्सो 16, ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द स्टॉप लॉस, सो ट्रेड कहाँ गई? Let me see what Saraf sir sent yesterday. I think मैंने ने feature trade भेजा। अब मेरे को paid like a bit भी हमने करेगा लगता है। See, I really appreciate him for sending this type of working. See, he has also found, see something else only जो हम लोग ने देखा उसमें से कुछ नहीं पकड़ा हमारा। MRF he has caught, okay, so MRF he has, Apollo Hospital we saw. Mindtree, Siemens and SRF, ये हम लोग कभी जिंदगी में नहीं देखते, वो उन्होंने उठा के दिया है। And again, one more thing I would, you know, see this female, she had sent me already 2008 back testing. I replied to her in the morning for her this thing, and in no time she also sent me to 2009 का this thing, okay, her back testing. So this is something where, you know, after taking training, if you're doing backtesting, then only you'll be able to follow top bottom quite well, because then you know, you know how the system works. So I really appreciate people who are doing the groundwork behind, right? So let's see Siemens, because if he has sent Siemens, so he would have sent something. Aha, okay. Siemens seems to be okay. So 2410 के ऊपर मैं buy हो सकता है, you can expect upper band, stop loss should be, aha, okay, not bad, so Siemens seems to be good, yes. All the Pune students are invited, by the way, please come to the seminar and also bring few friends, you know, or family members along, okay, so that, you know, let's be there, okay, and we'll be, I think Wakad mein we shifted Hadapsar wala, because Hadapsar wala MCCI had got some repair work, so we had to shift it at the last moment. So it's ambience excellency at Pune, actually, at Wakad. I don't know how far it is for you know, many of you, but that is the place we got actually at the last moment. Only Pune wale? Mumbai wale bhi aa sakte na sir. Mumbai wala, we are on 5th of March in Borivali. So it is very close to the Borivali station. Okay, it is start of Chandravarkar Road itself. It's a huge marriage hall where we are having this. It's a capacity of almost 150-200 people. So you can get friends, families, everyone. And mainly I've already shared the topic would be, you know, on the power of compounding using top bottom. So 2498 का क्लोज, सॉरी 98, दिस एंटायर थिंग इज मार्च, अभी मैं मार्च में देख रहा हूँ, 2410 है ना इसका हाई, 4 11 है तो 12,
traffic was good enough. So I think even Manoj ji ye kafi dekhte hain. And sir, if they have an OBS, so let's see. Yes, so sir, can be also quickly. So by about 2448 on the target. So thank you Sarab sir, बचा लिया मेरे को, मुझे ट्रेड नहीं दिख रहे थे और आप दो तीन ट्रेड अच्छे निकाले. So this is looking okay. So you have 5 years. Let's see TCS or Bapra. So forget it. Arre, by the way, see this got completed. This is a palette, tha, wo palette ko complete kiya usse. See this. This. Just copy this. बाकी है नहीं नहीं यहाँ हो गई. सो टारगेट मेट. ओके सीरियस वी कैन नॉट ट्रेड इन फी. क्या है के ऊपर में बात कर सकते हैं. See, this has been resisting the gaps in so many days actually. But INFI has not got a breakdown yet. इसमें ये अब तक हुआ नहीं जो उसमें हो चुका है. It has stopped at support by the way. So more powerful than this. Yes. Yeah. Buyback stock में ना इसके लिए buyback के बिना ही चलते हैं. So wait for a breakout above this. छोटा छोटा होते जाएगा रास्ता. अबे चालू राजा. भाई ये तो इधर ही बैठे. So this also is Bajaj Auto is also ruled out actually. Okay. So pharma auto fmcg baki reh gaya khali. So let's see that now. Okay, ye bhi dekho wahi cheez hai below the support key support and below this. So lower band is 7 here. So
below this you can shop. But it took support series. बहुत पुराना support पे support है. See, weekly is below 40 for this. So ये थोड़ा अभी मेरे को तो लग ही रहा है. This is where you can short it. At least you can short below this for this as the target. Okay, but we cannot take it much more because 1:1 भी risk reward नहीं है इसका. Okay, इसको भी छोड़ दो. Dabur pin, Dabur is doing good. So Dabur is okay. उसका lot size की वजह से we are not trading it anyway. So Dabur is okay to be in the buy zone. Let's see Britannia, Britannia gold. अरे ये सही है. But see the huge gap. See this. ये क्या करेगा बताओ? But then your stop loss is 3381. Your buying is it chalega na? Iska lot size kya kisko malum hai? 200-100 hai. Britannia. Britannia. 100 chhe ki 200 chhe? 100 chhe na? Toh toh bera hai. Mara hisab hai toh 100 chhe. Hai kisse toh dala? 200. Puri baba. Then we will not. Then jaane do. Then जाने दो सरासर बाकी. See this is what 3441 के ऊपर मैं buy है and so 60 rupees is the stop loss. अगर it was 100 no I would have taken a risk of 6000 for another you know buying. So no same हो जाता है जाने 60 ऊपर 60 नीचे. This is looking okay. ये भी गया. See this is broken since a 40 even on 90. So Hindustan Unilever and Nippon is also not in the and last let's see Asian Paints. Okay, जो हम लोगों ने नहीं देखा था. About this to this maybe some 50 rupees you can see as an upside, but see now major thing is it has broken the good level of support here. Okay, और उसको ही resist कर रहे हो. But there is a bullish harami with pro gap harami. Pro gap harami hai, volume bhi decent hai. So you need to see no what it does in resisting 20 MA consistently on weekly. So iske upar mein to jaane ka chances itna jaldi nahi lag raha hai. But then this falls below this, chances are it might come for this gap. Okay, so we do have a trade on Asian pen on the sell side, so let's have that. So at least we have 4 trades to chase next to Asian pen 6 sell below. Hundred points is the target. % of the scandal. So 15125. Okay, this becomes your stop loss. Okay. बहुत मुसीबत से वी गॉट 2 ट्रेड्स फ्रॉम आवर साइड एंड 2 ट्रेड्स सराफ सर. सो थैंक यू सराफ सर फॉर कंट्रीब्यूटिंग 50% ऑन दिस. ओके सो अगेन यू नो मीट ऑन सो नेक्स्ट सैटरडे यू नो वी वोंट हैव अ लाइव सेशन बट आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग इन द मॉर्निंग इटसेल्फ. सैटरडे वी आर हैविंग सेमिनार इन द इवनिंग इन मुंबई. सो आई विल सेंड
सैटरडे अरे सवार ना Saturday morning I will share with you the video, okay, and the analysis as well, okay, and evening we'll have session here, and Sunday we'll have session in Pune, okay, so we'll meet everyone. I'm planning that, you know, if Pune students, we can, you know, either meet for lunch or dinner, so let's see that also. Okay, so we can go, I'm planning for lunch so that, you know, we don't get late in evening. Okay, and Mumbai students, if you are coming, you know, we can also meet for dinner, but it will be a quick dinner because after Mumbai seminar, we will leave immediately for Pune. Okay, and we don't want to reach, you know, after 1:30, 2 a.m. To Pune, we want to reach later early. So that's why, you know, we can do a get together in Mumbai, maybe, you know, later, but Pune, yes, we are planning for lunch. So we'll get in touch with all of you guys there. Right. So thank you, everyone. And, you know, next week we'll have a recorded session. Right. So thank you once again and meet you next week. Thank you. Thank you.